हाय वेलकम वेलकम और चैनल सो फ्रेंड्स आपको याद होगा मैंने दो तीन मंथ या फिर फाइव टू सिक्स मंथ पहले एक वीडियो बनाया था स्किन साइन क्रीम के ऊपर तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट ये आए हैं कि वो जो क्रीम है वो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आ, लोगों को दे रहा है तो so, उस वीडियो में मैंने पच्चीस लिंक भी दिया हुआ था तो बहुत लोगों ने उस लिंक के थ्रू लिया है एंड बहुत लोगों को साइड इफेक्ट मिला है ठीक है तो आज हम इससे के बारे में बात करेंगे कि क्या वो जो क्रीम है वो आपको ओरिजिनल मिला है या नहीं मिला है या फिर वो जो क्रीम है वो रियली में वर्क करता है या नहीं करता है बहुत लोगों को साइड इफेक्ट हुआ है इसलिए मैं इस टॉपिक में फिर से बात कर रही हूं ठीक है सेकेंड थिंग इज ये बात करेंगे कि आपको कहां से ऑरिजिनल मिलेगा ठीक है और थर्ड थिंग आपको क्यों साइड इफेक्ट हुआ मे uh, बी आप रॉन्ग तरीके से यूज किए या फिर रोंग uh, चीजों के लिए यूज किए होगे तभी आपको साइड इफेक्ट मिला या फिर आपको फेक प्रोडक्ट रिसीव हुआ होगा तभी आपको मिला ठीक है सो बहुत सारे क्वेरीज है आप लोगों का वो मैं आज क्लियर करने वाली हूँ और ये भी बताऊंगी ये जो क्रीम है आपको किस चीज के लिए यूज करना है गलत इस्तेमाल करने पर आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर आपको इस क्रीम के थ्रू साइड इफेक्ट हुआ है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो मुझे बहुत सारी ये कॉमेंट आया कि दी मेरा side, मुझे साइड इफेक्ट हो गया है, मैं आप क्या करूं मैं कैसे ठीक तो इस वीडियो में ये भी बताने वाली हूं ठीक है तो अगर आप इस क्रीम को लेना चाहते हो या फिर ले चुके हो या फिर आपको साइड इफेक्ट हो चुका है सब कुछ पूरी डिटेल में बताने वाली हूं कि आपको क्या करनी है क्या नहीं करनी है ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इट्स फ्री टू तो सब्सक्राइब नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसमें आपको क्लिक कर देना है एंड उसके जस्ट बगल में आपको बेलाइकन दिख रहा होगा उसमें प्रेस जरूर करना ताकि जो भी मैं वीडियो डालू सबसे पहले आप तक पहुंचेगा इस तो चलिए वीडियो इस वीडियो में मैं आपको पांच छह पॉइंट में समझाने वाली हूँ तो विदाउट स्कीपिंग करके देखिए क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे ठीक है बहुत लोग स्किप कर करके देखते हो तो आपको समझ में नहीं आता एंड आप जैसे मन वैसे यूज कर लेते हो तो आपको साइड इफेक्ट हो जाता है ठीक है तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं कर ली कोई चीज लेने से पहले आपको उसका पूरा डिटेल जाना बिल्कुल जरूरी है फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसका प्राइस क्या है ठीक है तो अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग प्राइजेस मिलेंगे बट गाइस आपको इसको ऑफलाइन ही लेना है बेटर यही होगा ठीक है क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऑनलाइन जगहों पे जो है फेक प्रोडक्ट जो है सेल हो रहा है तो उस चीज से आपको बचनी है एंड आप मेडिकल शॉप से जो है बाय कर सकते हो ऑफलाइन ठीक है so, सो फर्स्ट ये है और इसका प्राइस आई थिंक फाइव वन uh, फिफ्टी या फिर वन सेवेंटी समथिंग कुछ का आपको पड़ जाएगा सो so, अब हम बात करेंगे ये जो क्रीम है कौन से लोग यूज कर सकते हैं कौन से स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं ठीक है तो सेंसिटिव स्किन वाले छोड़ के सभी स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं सेंसिटिव स्किन वाले इसलिए यूज नहीं कर सकते इसको क्योंकि ये आपके स्किन को थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसको बिल्कुल भी यूज ना करें थर्ड थिंग इज इस इसमें क्या क्या मिलाया गया एंड क्या ये जो क्रीम है सेफ है या नहीं और कैसे हम इसको सेफ तरीका से यूज़ कर सकते हैं ठीक है थीके? तो पहला मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या मिलाया गया है so, सो इसमें मिलाया गया हाइड्रोक्नाइड ट्रेटोनॉइड और मोनोटासन ठीक है ये जो तीन इंग्रेडिएंट है इसका काम क्या है ये मैं आपको बताऊंगी एंड ये जो तीन इंग्रेडिएंट है किस किस चीज़ के लिए आपको यूज़ करनी ये बताऊंगी ठीक है तो ये जो तीन इंग्रेडिएंट है वो आपको अगर आपके फेस पे स्कार्स हो गई है कोई भी कट मार्क्स है या फिर ब्लेमिसेज है या फिर सन टैनिंग हो गई है थोड़े बहुत तो उसमें ये सभी चीज़ जो है वर्क करता है ठीक है अगर मैं बात करूं स्किन वाइटनिंग की या फिर स्किन लाइटनिंग की तो अगर आप स्किन वाइटनिंग और स्किन लाइटनिंग के लिए इसको यूज करना चाहते हो तो ये जो क्रीम है इसके लिए नहीं बना है बहुत लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं स्किन वाइटनिंग के लिए स्किन लाइटनिंग के लिए तो उनको साइड इफेक्ट मिलता है ठीक है तो अगर आप स्किन वाइटनिंग के लिए और स्किन लाइटनिंग के लिए इस क्रीम को यूज कर रहे हो तो प्लीज इसको बंद कर दे क्योंकि आपको रिजल्ट तो मिलेगा बट वो परमानेंट रिजल्ट नहीं होता है गाइस अगर आप जैसे ही इस क्रीम को स्किप कर दोगे वैसे ही आप देखोगे आपका जो स्किन है पहले से और ज्यादा डार्क हो जाएगा ठीक है तो अगर आप स्किन वाइटनिंग स्किन लाइटनिंग के लिए इसको यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल भी ना करें अगर आप स्किन वाइटनिंग और स्किन लाइटनिंग के लिए इसको यूज़ कर चुके हैं एंड अगर आपको साइड इफेक्ट हो चुका है आपको नहीं पता था एंड बाई चांस आपने यूज कर लिया है तो आपको क्या करनी है तो आपको नाइट में जो है बोरोलिन का इस्तेमाल करना है आप इसको इस जो, वो जो क्रीम है उसको बिल्कुल स्किप करने के बाद जो है रेगुलरली नाइट में बोरोलिन का इस्तेमाल करें एंड ज़्यादा क्वांटिटी में करें ताकि आपका जो स्किन है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जल्द से जल्द क्योंकि अगर आप इसको बहुत लॉन्ग टाइम से यूज़ करें तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा उसको ठीक करने में यहाँ पर अब मैं बात करूंगी कि आपको किस टाइप का साइड इफेक्ट हुआ है तो आपको बोरोलिन का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपकी फेस जो है इस क्रीम को यूज़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है स्किन का जो लेयर है काफी ज्यादा थिन हो गया है स्किन बहुत ज्यादा ड्राई लग रही है एक्सेस ड्राई हो गया है स्किन पे बहुत ज्यादा रेडनेस आ गया है और स्किन बहुत ज्यादा डल और बोल सकते हो वर्स्ट हो गया है तो उस टाइम पे आप बोरोलिन का इस्तेमाल करो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो अब मैं बात करूंगी इस क्रीम को कैसे कब यूज करना है और कैसे यूज़ करना है ताकि आपको साइड इफेक्ट ना हो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है इस क्रीम को यूज़ करते टाइम ठीक है तो फर्स्ट थिंग आपको इसको कब यूज़ करना है तो आपको इसको जस्ट नाइट में यूज़ करना है और ध्यान रहे वीक में सिर्फ और सिर्फ तीन बार आपको उसको यूज़ करना है रेगुलरली आपको यूज़ नहीं करना है ठीक है इससे क्या होगा आपका जो स्किन है ज़्यादा यू नो ड्राई भी नहीं होगा अगर आप वीक में सिर्फ और सिर्फ तीन बार यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा सेकेंड थिंग इज़ आपको सिर्फ और सिर्फ नाइट में यूज़ करना है इसको ऐसा नहीं है कि आप मॉर्निंग में भी यूज़ कर रहे हो डे में भी यूज़ कर रहे हो और नाइट में भी यूज़ कर रहे हो ऐसा आपको नहीं करना है जस्ट एक टाइम आपको यूज़ करनी है और इसको यूज करते टाइम आपको सन रेज में बिल्कुल नहीं जाना है बिल्कुल बंद कर दे ज़्यादा अर्जेंट हो तो भी आप ना जाए आप देख लेना जब आप फ्री हो गए तभी इसका इस्तेमाल करें सो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है इस क्रीम को यूज़ करते टाइम ठीक है तो मॉर्निंग में आप अगर नाइट में इसको यूज़ करो तो मॉर्निंग में आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजर और एक अच्छा सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे तो अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल करोगे तो आपको बाहर नहीं जानी है बट घर पर भी आपको सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है बहुत लोग इस चीज़ को यू नो स्किप कर देते हैं और उनको साइड इफेक्ट मिलता है ठीक है घर पे भी सन रेज आती है तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है एक अच्छा सनस्क्रीन यूज करना है इस क्रीम का जो रिजल्ट है आपको कब तक मिलेगा और कब तक आपको इस क्रीम को यूज़ करनी है ठीक है तो गाइस ये बहुत फास्ट आपको जो है रिजल्ट दे, देगा जैसे कि स्किन लाइट क्रीम बहुत फास्ट आपको रिजल्ट देता है आपको वीक के अंदर ही इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको थ्री टू फोर वीक तक यूज़ करना है रेगुलरली जैसे मैं आपको बोली वीक में आपको तीन से दो से तीन बार यूज करना है ठीक है इतना अगर आप यूज कर लोगे तो हंड्रेड परसेंट अगर आपके फेस में स्कार्स है ब्लेमिज है डार्क स्पॉट है कट मार्क्स है तो वो बहुत अच्छे से रिपेयर हो जाएगा और धीरे धीरे करके आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा मैं बात करूंगी इसको आपको कैसे यूज करनी है तो आपको इस क्रीम को जस्ट थ्री टू फोर पंप इसका जो है लेनी है और आपका जहाँ पर प्रॉब्लम एरिया है वहीं पे यूज करना है पूरे फेस में यूज नहीं करना है और ध्यान रहे यूज करने से पहले आपको जो है टेस्ट करके ही यूज करना है नेक एरिया पे या फिर ये एरिया पे ठीक है ऐसा नहीं है कि आप बिना टेस्ट के इसको यूज कर रहे हो आपको हल्का सा लगा करके एक आवर के लिए छोड़ देनी है अगर आपको इचनेस इरिटेट आपका स्किन जो है इरिटेट नहीं हो रहा आपको बहुत नॉर्मल सा लग रहा है तो ही आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है यही था इस क्रीम के बारे में एक पूरा डिटेल वीडियो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा फिर भी कोई पॉइंट अगर छूट गया है तो आप मुझे कॉमेंट करना मैं हंड्रेड परसेंट आपका रिप्लाई दूंगी उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करेगा इस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जिनको भी इस टाइप की प्रॉब्लम है ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री टू तो सब्सक्राइब प्लीज कलर नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसमें तो आपको क्लिक करना है ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय